हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गुलजार सेन और आप लोग देख पा रहे हो टेक्निकल गुलजार। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी यूट्यूब चैनल जैसे कि मोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइज होने के बाद जब $10 होता है तब भी आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो चलो गाइज, आज मैं आप लोगों को फुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से एक मोनेटाइज चैनल पर आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो। और गाइज, अभी इस चैनल का पूरा सब कुछ मैं चेक करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो अर्निंग पर, यहाँ पर अर्निंग भी हो रहा है। यह सब जो भी कुछ है सब कुछ कॉम्प्लीटेड है। बस अभी इस चैनल पर बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो गाइस, किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप अपना गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पर थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर डेस्कटॉप मोड है, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर क्या करना है, आप सबसे पहले गूगल सर्च ऑप्शन पर आप गूगल एडसेंस सर्च कर लेना। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा गूगल एडसेंस। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएटेड है तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या करना है, गेट स्टार्टेड। अगर आपने गूगल एडसेंस किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी आपको अगर करना चाहते हो, गूगल एडसेंस अकाउंट किस तरीके से मतलब क्रिएट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। या एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिर आपको इस तरीके से आ जाएगा, आप अपना ईमेल, जो ईमेल है ठीक है, फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लगा, लोडिंग लेने के बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर थ्री लाइन दिखाई देगा या नीचे आपको यहाँ पर शो होगा पेमेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना और फिर पेमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर पेमेंट से इन्फो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप YT स्टूडियो ओपन करते हो तो आप यहाँ पर अपना जो जितना भी डॉलर से यहाँ पर शो करता है, लेकिन एडसेंस पर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो जैसे कि इस चैनल पर भी देख सकते हो, यहाँ पर एडसेंस पर कोई भी डॉलर शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें इस चैनल पर $16 ऑलरेडी एड हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट अकाउंट दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर देना और फिर यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब इंडिया US डॉलर। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगी आप अपना जो एडसेंस अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हो एड पेमेंट मेथड। जैसे कि आपका जो यहाँ पर US डॉलर जब तक $10 नहीं होगा तो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और गाइज मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और अपना जो यूट्यूबर दोस्त है या कोई भी, आप इस वीडियो का स्टोरी मार सकते हो। ठीक है, अपना दोस्त जो भी कोई है अगर यूट्यूबर है तो उनको आगे फायदा होगा। तो गाइज चलो, यहाँ पर एड पेमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। एड पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो बेनिफिशियरी आईडी, मतलब आप यहाँ पर कोई भी आईडी प्रूफ, मतलब जिसका बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो इसका कोई भी आईडी यहाँ पर देना है, आप दे सकते हो। और अगर नहीं दोगे तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है। तो अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आप ये क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना नाम डालोगे, नेम ऑन बैंक अकाउंट आप अपना नाम डालोगे। फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, मतलब जिस ब्रांच पर आपका बैंक अकाउंट पासबुक है, इस बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पर ऐड करना है, और फिर IFC और फिर स्विफ्ट कोड। तो गाइस स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, मैं यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर शो हो रहा है। तो आप जाके इस वीडियो भी देख लेना कि स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप अपना स्विफ्ट कोड दे देना, अगर नहीं पता है तो वीडियो देख लेना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर टाइप करना है और फिर रिटाइप अकाउंट नंबर। तो गाइस चलो, सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ, फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मेरा जो पूरा स्टेप है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, और फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे कि आप सेव करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपका जो है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर एड हो गया। इसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर आपको और एक, जब तक मतलब आप गूगल एडसेंस पिन मतलब किस तरीके से वेरीफाई करना है, वो पिन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से वेरीफाई करना है, तो गाइज नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये एंड स्क्रीन पर जो वीडियो है आप देख सकते हो, इससे आपका फायदा होगा किस तरीके से आप अपना गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में एक आपका छोटा सा फीडबैक दे देना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।